चलो वेलकम बैक। कल मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था डिसोल्यूशन का, और रिपीट कर लेते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का हमें टॉपिक पढ़ना है। इसमें आपको दो एक कंसेप्ट पहले आपको समझना चाहिए। एक होता है खाली डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, दूसरा होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप का डिजॉल्व होना मतलब क्या होना है कि पार्टनरशिप के अरेंजमेंट तोड़ जाना, वो किसी भी रीजन से हो सकता है। जैसे पीएसआर में आपने देखा चेंज हो गया, जिसको आप बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म इज गुड एज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। उनके बीच में जो एग्रीमेंट हो गया वो तोड़ के नया एग्रीमेंट बन गया। अब वो हो सकता है या तो आपका पीएसआर चेंज हुआ, या तो आपका एडमिशन हो गया, या तो आपका रिटायरमेंट हो गया, या तो डेथ हो गया। प्रैक्टिकली लाइफ में भी जब आप देखोगे, अभी जब सीए बनोगे, तो अगर दो पार्टनर होते हैं और उनके पास एक नया पार्टनर आता है, तो पुरानी डीड खत्म होती है, नई डीड बनती है। बिकॉज अब तीनों पार्टनर के बीच में एग्रीमेंट हो जाएगा ना, तो पुराना एग्रीमेंट खत्म होता है, तो उसको हम खाली बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बट अगर पार्टनरशिप फर्म ही खत्म होगी, पूरा बिजनेस ये बंद करेंगे, उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। हम जो पढ़ने जा रहे हैं अब, हमारे टॉपिक हुआ है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो इसमें क्या होगा, पूरा बिजनेस बंद किया जाएगा और जितने भी अकाउंट्स हैं वो हम क्लोज कर देंगे। ये मैंने कल आपको भी बताया था कि हम सबसे पहले क्या करेंगे इसमें मेजरली। आप तीन अकाउंट बनाओगे। एक सबसे पहला अकाउंट आप बनाओगे रियलाइजेशन अकाउंट। उसमें आप क्या करोगे, जितने भी एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं, ट्रांसफर ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इन दिस अकाउंट एक्सेप्ट कैश। कैश आप ट्रांसफर नहीं करोगे इसमें। जितने भी आपके एसेट्स हैं उन सबको आपने बुक से खत्म करके रियलाइजेशन अकाउंट में डाला। मैंने कल आपको विजुअलाइज भी कर दिया, करा दिया था। आप विजुअलाइज करो कि ये आपका दुकान है, दुकान के बाहर आपने रूम रखा, फिर सारे एसेट्स को उधर फेंको, सारी लाइबिलिटीज को वहां फेंको, वहां पे फिर उसका हिसाब कर लो। उसके बाद बनाओगे आप कैश अकाउंट, और उसके बाद बनाओगे आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इन सब अकाउंट को बेसिकली हम खत्म ही कर रहे हैं। कैश में जितना बचा था वो सब लास्ट में पार्टनर्स देंगे, और पार्टनर्स के अकाउंट भी क्लोज हो जाएंगे। तो कोई भी अकाउंट आपका नहीं बचेगा, और एज एन अकाउंटेंट आपका काम तमाम हो जाएगा। ठीक है, अब हम सीधे आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। अब तुम लोग सब अपनी बुक निकालो और इलस्ट्रेशन नंबर मान के आ जाओ। कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट आएंगे, वो जो जो वो कंसेप्ट आएंगे तब उनको डिस्कस करेंगे। अदरवाइज मोटा मोटी कंसेप्ट मैंने कल वाले लेक्चर में डाल दिया था, वो होपफुली आज रात को वो भी अपलोड हो जाएगा। अगर किसी का वो छूट गया था वो आज देख सकता हूँ। सर, जी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म किस किस रीजन से हो सकता है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का सबसे बड़ा रीजन है, आपने डिसाइड खुद ही कर लिया कि आप बिजनेस बंद करोगे। सबसे बड़ा रीजन तो यही है। ठीक है, या तो आपने बोला था कि एग्रीमेंट था कि भाई हम जो बिजनेस पार्टनरशिप करेंगे वो सिर्फ 5 साल के लिए करेंगे। ठीक है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एक तो है कि आपने म्यूचुअली डिसाइड किया, सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल लाइफ में। बाकी तो आपको थ्योरी पूरी बुक में मिली, प्रैक्टिकल लाइफ में सबसे बड़ा रीजन क्या होगा यार, पार्टनर्स के बीच में नहीं बढ़ रही है, पार्टनर्स के बीच में नहीं बढ़ रही है, वो विलिंगली डिसाइड कर रहे हैं कि हम पार्टनरशिप क्लोज करेंगे, बिजनेस क्लोज करेंगे। तो सबसे पहला रीजन और 90% रीजन यही होता है कि पार्टनर्स खुद ही बोल रहे हैं कि यार हमें एक साथ काम नहीं करना है। अक्सर ये हो जाता है दोस्ती यारी रिश्तेदारी में पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं, और लास्ट में फिर वो बोलते हैं कि हमें अलग अलग बिजनेस करना है। तो सबसे पहला रीजन 90% केस में डिसोल्यूशन होता है, पार्टनर्स विलिंगली बोलते हैं कि हमें नहीं करना है। दूसरा जो रीजन हो सकता है, अगर आपने पहले एग्रीमेंट में लिखा था कि हमारे जो पार्टनरशिप है वो सिर्फ 5 साल के लिए रहेगी सपोज, या 4 साल के लिए रहेगी, या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, या पर्टिकुलर वक्त तक रहेगा, वो वक्त आ गया तो आप फिर अपने डिसाइड करोगे कि आप आगे क्या करना है, आगे चलना है नहीं चलना है, या तो फिर वो डिसाइड हो जाएगा कि भाई एग्रीमेंट था ये तक खत्म करके आगे जो करना हो वो कर लिए। कभी कभी क्या होता है, कंपलसरी होता है, कंपलसरी डिसोल्यूशन भी इंपॉर्टेंट आपको समझना। आपको पता है पार्टनर्स की लाइबिलिटी जो अनलिमिटेड होती है, अनलिमिटेड का मतलब क्या है, इनके पर्सनल एसेट्स भी इसमें इन्वॉल्व होगी उसमें अगर? एसेट्स भी लाने पड़ेंगे अगर ये अपनी लाइबिलिटीज पे नहीं करेंगे। ये नॉर्मली बैलेंस शीट इस तरह से होती है, यहाँ पे इनका कैपिटल होता है और यहाँ पे इनकी लाइबिलिटीज होती है और यहाँ पे एसेट्स होते हैं। सपोज इनके बिजनेस में लॉस 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 ही हो रहा है, अल्टीमेटली क्या हो रहा है, पता चला कि इनका जितना भी पैसा है बिजनेस में वो क्रेडिटर्स का लगा हुआ है, तो वो अप्रोच करते हैं कोर्ट को, भाई ये बिजनेस वाले हमें पैसा ही नहीं देते। तो उसमें कोर्ट बोल सकता है कि भाई इस बिजनेस को क्लोज करो, इनके सारे एसेट को बेच डालो। तो उसको बोलते हैं कंपलसरी डिसोल्यूशन बाई कोर्ट। ठीक है, मेजरली यही दो है, बाकी आप थ्योरी पढ़ लो, थ्योरी में तो कुछ भी कहानी होती है, बट मेजरली यही दो तीन होते हैं। या तो आप विलिंगली बोलोगे खुद ही, या तो कुछ ऐसी हालत होगी कि आपके जो क्रेडिटर्स हैं, आपका जो बैंक है जिससे आपने लोन लिया है,
वो कोर्ट में गए और कोर्ट डिसाइड करेगा कि भाई इनका बिजनेस को क्लोज कर लो, एक लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाता है और इनके एसेट्स को वो बेचता है, और वहां से जो भी पैसा है वो बैंक और बाकी क्रेडिटर्स को पे किया जाता है। ठीक है, कोई और स्पेसिफिक डाउट? नो सर, आप क्वेश्चंस करेंगे? ठीक है, बाकी तो अगर थ्योरी में पूरी कहानी मिलेगी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एज अकाउंटेंट व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू इज टू नो हाउ टू डू द अकाउंटिंग। और मैंने सोचा भी है कि जब हम प्रैक्टिकल खत्म करेंगे ना, पार्ट ए पार्ट बी, मतलब पार्टनरशिप तो खत्म हो ही जाएगा इस वीक, और कंपनी जब मैं आऊंगा वापस तो कंपनी करेगी, उसके बाद में आपको एक हफ्ता जो सीरीज चलेगी ना वो हमें थ्योरी की चलेगी, बट थ्योरी हम लास्ट में रखेंगे। ठीक है, पहले मेनली जी इंपॉर्टेंट है कि जो आपको अकाउंटिंग सीखनी है जो आपको पूरी जिंदगी में काम आएगा, बाकी थ्योरी हम करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ओके सर, मैं आप नोटिस किया होगा मैं थ्योरी स्किप भी करता हूँ, बिकॉज व्हाट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू, कल को आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, कल को आपको प्रैक्टिकल अकाउंटिंग करनी है, तो वो आपको आनी चाहिए। ठीक है, यस सर, किधर? जरा इधर आ जाओ। नंबर वन पे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इफ इट डज नॉट अपेयर इन द बुक्स। तो आपका पहला कंसेप्ट बनेगा, डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा। तो अगर मैं उसको केस बनाऊंगा इलस्ट्रेशन से पहले, केस नंबर वन, डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या हो गया, बिजनेस तो बंद हो रहा है, दो चीजें हो सकती है, दो चीजें हो सकती है, गुडविल अपीयर्स इन द बैलेंस शीट, ठीक है, हाँ हाँ सर, और दूसरा क्या हो सकता है, नहीं होगी बैलेंस शीट में गुडविल डजेंट बिल्कुल अपीयर इन द बैलेंस शीट। कोई मुश्किल चीज है यहां तक, कोई मुश्किल चीज समझा? ना ना। अभी तक जितना भी आपने पढ़ा था रिकॉन्सिलिएशन, वहां पे बोलते थे भाई गुडविल बुक्स में है तो उसको राइट ऑफ कर लो, नई गुडविल जो है, वैल्यूड गुडविल जो है उसको क्या करोगे, उसको फिर इफेक्ट देखोगे कि नया पार्टनर आ रहा है तो वो देगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, रिटायरिंग पार्टनर को मिलेगा, गेनिंग पार्टनर उसको कंपनसेट करना पड़ेगा, ये सारा चीज आपने पढ़ा था। बट नाउ वो बात हो ही नहीं रही कि भाई गुडविल आगे कब बेची जाएगी, किसको फायदा, कुछ नहीं होगा भाई, गुडविल आज बिजनेस क्लोज हो रहा है तो आज ही गुडविल अगर है तो रियलाइज हो जाएगी, अदरवाइज रियलाइज नहीं होगी। अगर आपने सारा बिजनेस किसी को भेजा तब रियलाइज होगी, अदरवाइज रियलाइज नहीं होगी। ठीक है, हाँ तो मुझे बताओ अगर गुडविल बैलेंस शीट में है, दैट इज एज गुड एज एन एसेट आपका बैलेंस शीट में दिखा है, मुझे बताओ मैंने आपको क्या बताया कल, कि जितने भी एसेट्स है जितने भी लाइबिलिटीज उनको कहां पे ट्रांसफर करोगे, रियलाइज रियलाइजेशन अकाउंट में अकाउंट में। तो सिंपल एंट्री है कि भाई गुडविल है, कोई राइट ऑफ वाइट ऑफ वाली बात ही नहीं है, सीधे इसको ट्रांसफर करो रियलाइज अकाउंट, बिकॉज वो एक बॉक्स है बाहर, उसमें फेंक दिया, अगर कुछ रियलाइज हुआ तो वहां पे आ जाएगा, नहीं होगा रियलाइज तो अल्टीमेटली सारा लॉस हो जाएगा, सारा लॉस हो जाएगा पार्टनर्स में जाएगा, अलग से उसकी एंट्री करने की जरूरत नहीं है। तो अगर गुडविल रियलाइजेशन आपकी बैलेंस शीट में दिख रही है तो इसको कहां पे ट्रांसफर करोगे, रियलाइज अकाउंट, बिकॉज इट एज गुड एनी अदर एसेट, यू जस्ट ट्रांसफर टू रियलाइज अकाउंट, अपने बुक से आपको उसको निकालना है, आपको अपनी बुक से इसको खत्म करना है, बट डू नॉट राइट इट ऑफ डायरेक्टली टू द पार्टनर्स, बिकॉज लास्ट में रियलाइज में जितना भी बचेगा वो पार्टनर्स में ही जाएगा, चाहे प्रॉफिट या लॉस, अल्टीमेटली अगर ये राइट ऑफ होना है तो ये खुद ही राइट ऑफ हो जाएगा, बट कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, सीधे उसको कहां फेंको, रियलाइज अकाउंट में, तो एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट है भी। गुडविल अकाउंट। अब क्या होगा, अब क्या होगा कि जब आपने अब बिजनेस को बेचा, हो सकता है कि आपने बिजनेस लमसम में बेचा पूरा, ठीक है, और आपको उससे ज्यादा पैसा दिया इन द नेम ऑफ गुडविल, आपने बोला ठीक है हम पार्टनर के बीच में नहीं बन रही है ना, तो ऐसा भी तो कर सकते हैं, ये तो जरूरी नहीं है ना कि एसेट को अलग बेचना है, किसी को अलग बेचना है, ऐसा भी तो होता है आप किसी बंदे को बोला कि भाई आप हमारा बिजनेस ले लो पूरा का पूरा, हमें पैसे दे दो, ऐसा भी तो हो सकता है। यस सर, हाँ तो उस आपने किसी कंपनी को पूरा पैसा दे दिया और उसने आपको जो है पैसा दे दिया, गुडविल भी अगर उसमें होगी जो भी होगा भाई, अल्टीमेटली व्हेन यू सेल द बिजनेस एज अ होल तो अल्टीमेटली आपको पैसा आ जाएगा, जितना भी पैसा आ जाएगा वो कहां पे ट्रांसफर कर दो, रियलाइज अकाउंट में, पार्टनर तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक। ये चीज हो सकती है। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आपने किसी बाहर वाले बिजनेस, अगर आपने बाहर वाले किसी को भेजा तो 90% चांसेस है कि भाई आप उसको पूरा बिजनेस ही भेजोगे, पूरा बिजनेस भेजोगे उसके। कल वाला अगर एग्जाम्पल आपको याद होगा मैं जस्ट यहाँ पे बताता हूँ आपको ताकि समझ आएगा, जब मैंने रियलाइज अकाउंट बनाया था तो मेरा कुछ बैलेंस शीट में सपोज गुडविल नहीं भी है या है भी, ये मैंने रियलाइज अकाउंट बनाया, कल का एक अकाउंट याद करो, यहाँ पे मैंने लिखा तो फिक्स एसेट जितना भी फिगर स्टॉक सपोज 10 लाख,
तो स्टॉक था, डेटर्स टोटल थे, कैश था 4 लाख, कैश का ही। बाइक क्रेडिटर्स था या बाइक लाइबिलिटीज था 6 लाख। सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज मैंने ट्रांसफर कर लिए। अब सपोज मेरी गुडविल भी थी, सपोज गुडविल भी, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 2 गुडविल 2 लाख। अब अल्टीमेटली जब मैंने सारा बिजनेस बेचा, सारा बिजनेस बेचा, अगर एक ही बंदे को मैंने सारा बिजनेस बेचा और उसने मुझे पूरे बिजनेस का 15 लाख रुपए दिया, तो मैं सीधे एंट्री क्या करूंगा, बाई कैश बाय कैश। 3 लाख। तो खुद ही अब गुडविल सेल हो गई ना, तो मुझे तो देखना ही नहीं कि गुडविल को कुछ पैसा आया या नहीं आया, अल्टीमेटली मेरे पास कैश आया 15 लाख। या तो ऐसा भी हो सकता है वो बोलेगा मैं तेरे को फिक्स एसेट के लिए 10 की जगह 8 लाख दूंगा, स्टॉक को 3 की जगह 3 दूंगा, इसको 4 की जगह 3 दूंगा, गुडविल को 2 की जगह 1 दूंगा। अल्टीमेटली एड पे क्या होगा भाई, कैश फाइनली जितना आ गया वो कैश डेबिट हो जाएगा, रियलाइजिंग आउट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, समझ जी सर, आई बात। तो गुडविल अलग हाँ से बिकी या एक साथ बिकी, अल्टीमेटली यू आर कंसर्न विद रिस्पेक्ट कैश कितना आया, तो आप एंट्री करोगे कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजिंग आउट। गुडविल नाम से कुछ और क्रिएट करने की जरूरत है, बिकॉज आप बिजनेस ही बंद कर रहे हो। ठीक है, बट ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे आपका जो है ये बिजनेस जो है कोई बाहर वाला बंदा नहीं ले रहा है, आपका एक पार्टनर है वो टेक ओवर करता है, समझे बात। चाहे वो हाँ एसेट को ले रहा है, जैसे कल किसी ने पूछा था सर अगर पार्टनर एसेट को टेक ओवर करेगा या वो पूरे बिजनेस को टेक ओवर करेगा, तो अल्टीमेटली आप क्या करोगे, आप उस पार्टनर को डेबिट करोगे, तो आप एंट्री करोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर रियल रियल एसेट। एसेट। तो अगर पार्टनर ही ले रहा है तो आप पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को डेबिट करोगे और रियल अकाउंट को क्रेडिट करोगे, लास्ट में उसकी पार्टनर की कैपिटल में जितना भी डेबिट पड़ा होगा नेट में उतना वो पैसा लाएगा। तो समझ आई बात। तो अलग से भी मुझे ये गुडविल समझाने की जरूरत है, बट क्योंकि आपकी बुक ऐसे लिख रही है तो मैं आपको समझा रहा, अदरवाइज आपका सिंपल बनता था भाई, जितने भी आपके एसेट्स है इंक्लूडिंग अगर आपके पास गुडविल है सारा को ट्रांसफर करो रियल अकाउंट में, फिर फाइनली आपके पास जितना भी कैश आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू रियल अकाउंट करो, तो आपका खुद ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ सीधे इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे। अब अच्छा, अब अगर गुडविल बैलेंस शीट में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर गुडविल बैलेंस शीट में नहीं है तो आपको कुछ ट्रांसफर करने की जरूरत है नहीं, जितना भी कैश फिर गुडविल का आ जाएगा एंट्री किया जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियल अकाउंट। ठीक है, अगर गुडविल बैलेंस शीट में नहीं दिख रही है और आपने बेचा बिजनेस को और आपको गुडविल के नाम से भी कुछ पैसा आया, तो अल्टीमेटली यू आर कंसर्न विद द कैश ना, आपके पास कैश कितना आया, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियल अकाउंट। बुक इनफैक्ट कंप्लीट ही कर रही है, कुछ भी नहीं करना है भाई, जितने भी एसेट्स है अगर गुडविल बैलेंस में दिख रही है उसको ट्रांसफर करो रियल अकाउंट में, फिर जितना कैश आएगा वो रियल अकाउंट में जाएगा। ठीक है, सर, अब आ जाए इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे। हाँ जी सर, एक्स एंड वाई वर पार्टनर्स, दे डिसाइडेड टू डिसोल्व द फर्म, नो गुडविल अपीयर इन द बैलेंस शीट, गुडविल कुछ भी नहीं थी बैलेंस शीट में। तो अब मुझे बताओ अगर आपके पास 10,000 रुपीज गुडविल के नाम के आ गए तो आप एंट्री क्या करोगे, कैश ट्रांसफर नहीं डेबिट टू होगा। रियल अकाउंट। हाँ ठीक है, गुडविल तो क्रिएट वेट कुछ करना नहीं है ना, क्योंकि सीधी सी बात है 10,000 आ गए तो सीधे 10,000 रियल अकाउंट में डाल दो, फिर लास्ट में रियल में जितना भी फायदा बचेगा वो किसको ट्रांसफर हो जाएगा, पार्टनर्स को हो जाएगा। ऐसे भी आप बोलते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू ए टू बी सी, तो वो करने की जरूरत नहीं है, जितना भी पैसा आया वो ट्रांसफर करो रियल अकाउंट में, तो एंट्री क्या हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट। रियलाइजेशन अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट कितना था, 10,000। दूसरा केस क्या था, इफ गुडविल वॉज टेकन ओवर बाई पार्टनर एक्स फॉर 8,000, एक्स अब कैपिटल एक्स ने अकाउंट बोला कि डेबिट यार कर बिजनेस दो, मुझे दे दो इसकी गुडविल का मैं 8 कर दूंगा, तो हम क्या करेंगे एक्सिस कैपिटल अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट। 8,000, और जो फायदा हुआ वो सारा रियल अकाउंट में जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, फिर रियलाइजेशन में अल्टीमेटली जितना फायदा हो जाएगा वो ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर को, सबको एक साथ हो जाएगा। अच्छा दूसरा चीज है, बहुत सिंपल है ये, हालांकि करने की जरूरत नहीं है, मुझे बताओ अब आपने क्या हो गया ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, जब आप अब बिजनेस को डिसॉल्व कर रहे हो, मैंने आपको कल एक हिंट दी थी कि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता कि आपके सारे एसेट्स उसी दिन बिक जाएंगे, ठीक है टाइम लगता है उनको बेचने में, तो उनका क्या ट्रीटमेंट होगा वो हम आगे बढ़ेंगे, पर अज्यूम करूंगा आप बेच रहे हो, उसमें आपको हो सकता है कि आपके कुछ एक्स्ट्रा खर्चे लग जाए उस वक्त, रियलाइजेशन के वक्त आपको कुछ खर्चे हो गए, मतलब जब आप रिजोल्यूशन कर रहे हो, सॉरी रिजोल्यूशन के वक्त आपको कुछ और खर्चे लग गए, उसको क्या करोगे लॉजिकली मुझे बताओ, बुक को कैश जाएगा माइनस। ना, हाँ क्रेडिट होगा ना, कैश कैश सर कैश जाएगा। जाएगा, सर कैश जाएगा, कैश को क्रेडिट करेंगे टू कैश अकाउंट, बिल्कुल सही बोला आपने, सपोज 5,000 रुपये लगे,
और डेबिट किसको करोगे? रियलाइजेशन रियलाइजेशन अकाउंट अकाउंट अकाउंट, में, बिकॉज यहाँ पे हमारा जो भी अकाउंट है वो क्या है? रियलाइजेशन। चाहे रियलाइजेशन प्रॉफिट अकाउंट। आएगा वो भी उसमें जाएगा, लॉस होगा वो भी उसमें जाएगा। यहाँ पे जब आपने एक्सपेंस इनकर किया, नॉर्मल केस में जब आप एक्सपेंस करते हो, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, एंड एक्सपेंस को ट्रांसफर करते हो पीएनएल में, तो यहाँ पे पीएनएल में कुछ नहीं है, तो जो भी खर्चा होगा वो कहाँ पे जाएगा? रियल अकाउंट में। तो एंट्री क्या हो जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। तो अल्टीमेटली प्रॉफिट कम हो जाएगा ना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। सीधी सी बात है, मेरा क्या होगा, मेरा अल्टीमेट आप विजुअलाइज करो क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट में हम सारे एसेट्स को डाल रहे हैं, सारे लाइबिलिटीज को डाल रहे हैं, जो भी खर्चा होगा उधर जाएगा, जो भी पैसा आएगा उधर आएगा। अल्टीमेटली वहां से हमें निकलेगा कि इस बिजनेस को बेचने में हमें फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, जो फायदा या नुकसान होगा वो किनको ट्रांसफर किया जाएगा? पार्टनर्स को ट्रांसफर किया। तो यहाँ पे एक्सपेंस ऑब्वियसली नुकसान होगा, तो ये नुकसान भी किनको बियर करना है? पार्टनर को। बट कैसे? आप रियलाइजेशन में डाल दो, लास्ट में ऑब्वियसली डेबिट ज्यादा आएगा तो लॉस खुद ही निकलेगा बाहर। ठीक है, अब मैं थोड़ा क्वेश्चन को ट्विस्ट करूँ। रियलाइजेशन के खर्चे थे 5,000, बट एक पार्टनर बोल रहा है कि ये 5,000 ना मैं दे रहा हूं अपने जेब से, मतलब अपने जेब से इन द सेंस, ये जो 5,000 रुपये रियलाइजेशन के खर्चे हो गए ये फिलहाल एक पार्टनर एक्स ने दे दिए। अब मुनाजा तुम अकाउंटेंट हो, बताओ क्या अकाउंटिंग करोगे? समझ आई बात? मतलब कि 5,000 सारे देगा खुद। वो बोल रहा है कि उसने दे दिए, मैं ऐसा लिख भी थे, इफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर पेड बाय ए पार्टनर। विजुअलाइज करो, विजुअलाइज करो, आपका पता चला कि भाई डिजोल्यूशन हो रहा है, आपके कैश काउंटर में 1 लाख रुपया था, आपका बैंक उसी वक्त आया कि भाई हमें पैसे दे दो, हमने बोला यार अभी 1 लाख है, आपने उसको 1 लाख रुपया दे दो, आपके बिजनेस में कोई कैश नहीं बचा है। ना अब डिजोल्यूशन के लिए भाई ये जो सामान बाहर निकालना था, आपने लेबर लाई या बाकी चीज खर्चे हो गए, अब देने उनको 5,000 रुपया, आपके पास तो कुछ है ही नहीं, बिजनेस में कुछ पड़ा नहीं है, मैं बिजनेस का पार्टनर हूँ मिस्टर एक्स, मैंने उठा के 5,000 रुपया दे दी लेबर को, अब इसकी अकाउंटिंग क्या करोगे? और ये है रियलाइजेशन एक्सपेंस एंट्री। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लतीफ कैपिटल अकाउंट, तो क्योंकि फिर अगर कोई कौन पार्टनर लाएगा। डायरेक्टली पे कर रहा है तो हम पार्टनर को क्रेडिट करेंगे, तो हाँ वही ना, लतीफ कैपिटल अकाउंट डेबिट एंट्री हो टू। जाएगी। ये सबको समझ आई एंट्री क्या हो जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 5,000 टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जिस पार्टनर ने इनको बियर किया वो तो अपनी जेब से दे रहा है, टेम्परेरी पर्पज है ना, वो तो ऐसा नहीं है कि वो बॉन कर रहा है, वो पे कर रहा है, ना बिल बी पेड एंड बॉन्ड। बॉन्ड मतलब वो बोल रहा है मैं ही बियर करूंगा, बियर वो नहीं बियर कर रहा है, वो इसका दे रहा है। मैं बरट माना हुआ थी काज मीन इस अकाउंट, वो बाद में बोलेगा। हम जाते हैं ना कभी दोस्त घूमने जाते हैं, जाते हैं घूमने, फिर क्या करते हैं, फिर शाम को व्हाट्सएप पे बोलते हैं कि भाई किसने कितना खर्चा किया बता दो। तो मतलब क्या होता है, वो जब सुबह पराठे खिला रहा है वो, उसको ये नियत थोड़ी होती कि ये मैं अपने जेब से खिला रहा हूँ, उसको पता है कि भाई शाम को बन जाएगा सबके बीच में, तो अभी वो बोला कि मैं अपने जेब से दे रहा हूँ बट शाम को कटेगा सबके खर्चे से, ठीक है ना, तो हम उसकी कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। समझा बात? करा छुआ चीज तुलना इन एक्सप्रेशन जो बता, हाँ करते हैं, मैं तो करती यही करते हो ना सब, हूँ। नथ मरिन का बेचारा शरीफ इंट्रोवर्ट मीम पर सूरज खर्चा वर्चा करान, और फिर वो आता है ना मीम भी आता है, वो आता है शाम को आ जाते हैं वो पार्टी वार्टी करके, फिर बोलता है यार वो जो मंगा लिए थे स्विगी से उसका खर्चा पर हेड आता है 700, तो बाकी जो 3 दोस्त वो ग्रुप पे एग्जिट कर लेते हैं। ठीक है, तो करा है। नो सर। इलस्ट्रेशन में 2 पे आ जाओ, तो अगर कोई केस होगा तो उसको मैं वहीं समझा दूंगा। बहुत सिंपल अकाउंटिंग है, मुझे लगता है सबसे आसान अगर दुनिया में है ना कुकिंग अकाउंटिंग है सबसे आसान। तो ये हम सी आप थोड़ी इसको थोड़ा दिखाने के लिए अपने प्रोफेशन को टीचर जबरदस्ती तो बोलते हैं अकाउंटेंसी का आपने पूछते हैं, सबसे आसान है अकाउंटेंसी। ठीक है, ड्यू जनरल एंट्रीज फॉर रियलाइजेशन व्हेन, नंबर 1 केस रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंट टू 1,500, सबको मिला है क्वेश्चन, हाँ बताओ क्या एंट्री होगी? मुनजा नहीं बताएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, वेरी गुड, अगर बैंक से किया होगा तो बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, आंसर कुछ नहीं कमेंट, ठीक है ना, आप ताहिर बोलेगा ना मुनजा बोलेगी, बाकी जो जल्दी बोलेगा वो बच जाएगा। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंट इनटू 800 पेड बाय पार्टनर एक्स, एक पार्टनर है एक्स, उसने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 800 दे दिए, कौन आंसर बताएगा? रियलाइजेशन हाँ बताओ बताओ, रियलाइजेशन तो अकाउंट डेबिट पार्टनर टू कैश, रियलाइजेशन रियलाइजेशन अकाउंट अकाउंट तो डेबिट डेबिट। हो जाएगा क्योंकि मेरे को एक्सपेंस डालना है रियलाइजेशन अकाउंट में 800, और ये पार्टनर एक्स ने दिया तो हम पार्टनर एक्स को क्रेडिट करेंगे, ठीक है ना।
लास्ट में उसका हिसाब अच्छा देखेंगे कि वो उतना ही पैसा लेगा फिर। पार्टनर कौन है, सॉरी तो एक्सेस क्या। तो मैंने आज ज्वाइन किया नहीं किया, समझ हाँ हाँ क्या जी सर। साल गमत। हाँ सर। चलो केस नंबर 3। इट इज एग्रीड टू पे एन एग्रीड अमाउंट ऑफ ₹500 टू वाई एज रियलाइजेशन एक्सपेंस। अब अच्छा पॉइंट है, प्लीज आंसर नहीं देखा। इट इज एग्रीड टू पे एन एग्रीड अमाउंट ऑफ ₹500 टू वाई। हमने बोला कि हम वाई को देंगे ₹1500 फॉर रियलाइजेशन, तो फर्म ने डिसाइड किया कि वाई को देंगे रियलाइजेशन के लिए कितना, रियलाइजेशन एक्सपेंस के लिए 1500। एक्चुअल एक्सपेंसेस मेड बाय हिम 2000, उसने एक्चुअल खर्चा किया था 2000, मगर हमने डिसाइड किया कि हम उसको कितना देंगे 1500। 1500। ना मुनाजा बोलेगी ना ताहिर बोलेगा, और ये तीसरा आंसर किसने बोला था वो भी नहीं बताएंगे। तो मुझे बताओ कि हमने डिसाइड किया कि हम उसको 1500 देंगे, तो हम कितना खर्चा मानेंगे फोन का, 1500 के 2000। थोड़ा 1500। हाँ नातिका, 1500 खर्चा मानेंगे 2000 खर्चा मानेंगे, इसी में नेट पंद्रह करके। सौ ना कोई हमें और देना ही है बताओ, 1500 सर। 1500 1500 कोई बोल रहा है, 2000 कोई, सर। 2000 बोल रहा है खर्चा, यस सर। कौन बोल रहा है? काजी साहब। देखो बेटा, उसने 2000 कर दिए, उसने 2000 खर्चा किया, उसमें कोई डिनाइल नहीं, बट फर्म ने उसको बोला कि हम तुझे 1500 ही देंगे। तो फॉर्म के लेवल से देखो, हमने उसे बोला कि भाई हम तुझे 1500 ही करेंगे, उसके ऊपर तेरे को जितना हो जाएगा वो तेरे को अपने जेब से देना है, समझ आई बात? अच्छा तो इस केस में हमारा खर्चा लिमिट हो गया, कैपिंग होगी 1500, तो फॉर्म जो है वो 1500 ही बियर करेगी। क्यों, हमने एग्री हो गया ना, ऐसा तो नहीं है एग्रीमेंट नहीं होगा, एग्रीमेंट हो गया मतलब ऑल द पार्टनर्स एग्रीड कि पार्टनर को इसमें 1500 ही दिया जाएगा। जैसे मैं बताता हूं हमारा होता है कि मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मैं जॉब करता हूँ ठीक है, तो मेरे को ऑफिस वाले बोलते हैं कि तेरे को इस काम के लिए इधर मुंबई जाना पड़ेगा ठीक है, तुम्हारे जैसे मुंबई जाना पड़ेगा ना, तो जितना भी खर्चा तुम्हारा होगा वो हम बियर करेंगे, कंपनी बियर करेगी, बट मैक्सिमम जो खर्चा होगा वो कंपनी 10,000 बियर करेगी, उससे ज्यादा बियर नहीं करेगी। मेरा एक्चुअल खर्चा 12,000 हो गया, मुझे बता कंपनी से कितना मिलेगा मुझे, 12,000 से 10,000, 10,000। 10,000 एग्जैक्टली। यहाँ पे भी वही हो रहा है, उसने 2,000 खर्चा किया बट उसकी फर्म ने बोला कि हम तेरे को 1500 देंगे, तो फर्म की बुक्स में एंट्री जो होगी वो 1500 की हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली ये 2,000 उसने अपने जेब से दिया होगा जो भी दिया होगा, बट हम उसे सिर्फ 1500 ही दे देंगे, तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट 1500। इसको नोट कर दो अपनी बुक में, इंपॉर्टेंट, इसमें आपको डाउट हो सकता है, क्योंकि हमने डिसाइड किया कि हम उसको 1500 ही दे देंगे, तो यहाँ पर कैपिंग लग जाएगी कि मैक्सिमम अमाउंट जो उस पार्टनर को मिलेगा उसके तो 1500 ही मिलेगा ठीक है। सर इसका वाइस वर्सा भी ऐसे ही है। मैं वही बोलने वाला था, सपोज हमने बोला कि हम वाई को 1500 देंगे और वाई को खर्चा हो गया ₹800, उस केस में भी हमने उसको बोला कि हम 1500 देंगे, तब उसको 1500 दे देंगे, बिकॉज ऑल द रिस्क इन दिस केस इज बॉर्न बाय पार्टनर वाई, तो जो भी फायदा होगा वो भी वाई को मिलेगा, जो भी नुकसान होगा वो वाई को मिलेगा। प्रैक्टिकली बताता हूँ मैं आपको, प्रैक्टिकली बताता हूँ मैं आपको, प्रैक्टिकली बताता हूँ कैसे होगा ये चीज। विजुअलाइज करो, आपका ये दुकान है, आपका बिजनेस बंद हो रहा है ठीक है, तो पार्टनर वाई बोल रहा है कि भाई डेटर से पैसा लेना ना, आप कितना हेडेक है। आप विजुअलाइज करो, आपके पास श्रीनगर में लाल चौक में दुकान है, ऐसा तो नहीं है सब डेटर को फोन करोगे कि भाई पैसा डाल दो, तो रोज जो प्यार आता मन पोषण, तो भाई उनके घर जाना पड़ेगा ना, उनकी दुकान पे जाना पड़ेगा ना पैसे देने। वाई बोल रहा है सारे पार्टनर को, अच्छे एक्स वाई जेड, वाई बोल रहा है तुम लोग मुझे ₹5,000 दे दो, तुम लोग मुझे ₹5,000 दे दो, डेटर से पैसा लाना मेरा काम, डेटर से पैसा लाना, मैं सब डेटर्स के घर जाऊंगा, जैसे जाऊंगा फोन करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, मेरे को ₹5,000 दे दो। तो आप रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना मानोगे, 5,000 ना, तो आप एंट्री क्या करोगे बिजनेस की बुक्स में, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट 5,000। अब प्रैक्टिकली हो सकता है कि वाई को 1 भी रुपया ना लगे, प्रैक्टिकली हो सकता है कि वाई को ₹10,000 लगे, बट वो वाई का हेडेक है, फर्म की टेंशन खत्म हो गई, वो अपने से बोला हम तुझे इस काम के लिए ₹5,000 देंगे,
और वो अपनी बुक्स में एंट्री क्या करेंगे, रियलिस्टिक ऑर्डर पे, तो वाइट क्या पड़ेगा। समझ आई बात? यस यहाँ पे किसी को कोई डाउट? अब क्लियर हो गया ये चीज? यस ठीक है, अब मुझे बताओ, जैसे इसके बाद वाला क्वेश्चन देखो, व्हाई वाज टू सर, ये मीट भी द, हो सकता है ना कि पहले ही फॉर्म ने डिसाइड नहीं करा होगा कि हम इसको कितना देंगे। वो उसको ये भी बोल सकते हैं कि आप इनको जाके बोलो कि हमें पैसा दो, जितना आपको लगेगा उसके बाद हम पे करेंगे। अल्टीमेट फाइन, ये भी हो सकता है, बट मैं वही बोल रहा हूँ, अगर जितना भी म्यूचुअली एग्री हो जाएगा, दैट विल बी योर एक्सपेंस। ठीक। जितना भी म्यूचुअली एग्री हो जाएगा फर्म में, चाहे वो पहले हो गया या बाद में हो गया, या ऐसे भी बोला कि भाई तू जितने भी डेटा रियलाइज करा गया ना, उसका 2% तेरे को मिलेगा। समझ आई बात? ऐसा भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है। द पॉइंट इज हियर, द पॉइंट आउट हियर इज कि बिजनेस का खर्चा उतना ही मानेगा जितना म्यूचुअली एग्री हो। समझ आई बात? जी सर। अब लास्ट वाला केस में देखो क्या हुआ। वाई वाज टू मीट एक्स रियलाइजेशन फ्रॉम हिज ओन पॉकेट इन व्यू ऑफ कमीशन 2000। हमने बोला वाई को, भाई तेरे को जितना भी खर्चा हो जाएगा वो तो कर ले, हम तुझे 5000 रुपए 2000 देंगे। जैसे मैंने 5000 बोला था, उसमें हमने बोला 2000, तो वाई को कितना मिलेगा? 2000। हाँ, रियलाइजेशन अकाउंट दे दो तो वाइस क्या करें। बिल्कुल। केस नंबर 3 जो हमें पढ़ना है, हालांकि ये उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, बट वो तो मतलब आप लॉजिक भी लगाओगे ना तो खुद ही आएगा। ट्रीटमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स ओब्लिक लाइबिलिटीज। अब याद करो, जब हम वो पढ़ते थे रिकॉन्शन, हम बोलते थे भाई अगर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं और हमें पता चले कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है, तो ये हमारा फायदा है, इसको हम रिकॉर्ड करेंगे, एंट्री करेंगे एसेट अकाउंट, डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, यही करते थे। हाँ, और अगर कोई लाइबिलिटी होती थी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, भाई क्रेडिटर को 3000 रुपए देना है, हमें पता ही नहीं है, तो आपका नुकसान हो गया, आप एंट्री क्या करोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट, यही करते थे। हाँ ये अब आप मुझे बताओ, आप आज बिजनेस को क्लोज कर रहे हो, ठीक है, ठीक। बिजनेस को खत्म कर रहे हो, अब आपने सारे हाँ एसेट्स को निकाल दिया बाहर, सारी लाइबिलिटीज को रखा बाहर रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है, कर दिया आपने, जो जो बुक्स में था उसको ले लिया बाहर, कर दिया बाहर। जी सर। अब आप देख रहे हो, अरे यार कैश काउंटर में से ना एक एफडी निकल गई 10,000 की, और हमें बैलेंस शीट दिखाई ही नहीं है एफडी, फॉर व्हाट एवर रीजन, तो दिस इज अनरिकॉर्डेड एसेट। हाँ, फायदा यस, है। अब इसकी एंट्री क्या करोगे? अनरिकॉर्डेड हाँ, एसेट डेबिट रिकॉर्ड टू ऐसे रियलाइजेशन रियलाइजेशन अकाउंट। एंट्री बताओ, एंट्री बताओ। अनरिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड एसेट, एसेट। मैं यहाँ पे अनरिकॉर्डेड एसेट को फिक्स डिपॉजिट रखूंगा, तो बच्चे बोल रहे हैं कि फिक्स डिपॉजिट टू रियलाइजेशन डेबिट, अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, इससे पता क्या होगा? आपने एक एसेट क्रिएट किया फिक्स डिपॉजिट, मैंने तो आपको अभी बोला रियलाइजेशन सारे एसेट को खत्म करते हैं, इसका विजुअलाइज करो, आपने फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट कर लिया, तो एसेट क्रिएट हो जाएगा। हमने तो अभी पढ़ा था जो एसेट है उनको भी तो हमने खत्म कर लिया, अब नया एसेट क्यों क्रिएट करोगे? डायरेक्ट कैश की एंट्री बहुत अच्छा कैसे कम। सर, हमें कुछ नहीं करना है, ये एफडी को बेच दो ना, सारे एसेट्स को तो बुक से खत्म कर लिया है, एसेट को बेच दो, जितना पैसा आ जाएगा वो रियलाइज अकाउंट में ट्रांसफर कर लो, तो एंट्री हो जाएगी, तो इसको मैं लिख दूंगा ये गलत एंट्री है, ये नहीं करना है, एंट्री सीधे हो जाएगी, उसको बेच देंगे, उसको भी उठा के उधर डालो, रियलाइज अकाउंट में डाला नहीं है, विजुअलाइज करके फिजिकली उसको डाला है, पर कोई अकाउंट एंट्री नहीं होगी। अकाउंट एंट्री किन की होगी? जो बुक्स में दिख रहे हैं, चाहे एसेट है या लाइबिलिटी, बुक्स में दिख रही है। द पॉइंट आउट इज हमें बिजनेस को क्लोज करना है, हमें सारी बुक्स को क्लोज करना है, तो बुक्स में जो जो पड़ा है उसको उठा के उसमें डाल दो, अब कोई बुक्स में नहीं है वो भी उधर ही चला जाएगा, उसको भी बोलोगे पक पक सी, तू इतना चाव से कि क्या करो, इसको याद करो जो मैं ऐसे कहानी बोल रहा ना, इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करो, वो बुक्स में नहीं है उसको भी बोल रहा तुम उधर जाओ, उधर ही देखिए तेरा क्या हुआ, उधर आके क्या बोला एफडी है, अरे जा एक्स बैंक से रियलाइज करके आ गया, लाया कितना लाया 10,000 लाया, ओके दे दो 10,000 रुपया, तो मुझे एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 10,000 रुपया। सिमिलरली ठीक। यू एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, आपने बिजनेस क्लोज कर दिया, एक बंदा आ रहा है बोला है मेरे भी पैसे दे दो, बोला चुकूस, बोला मैं एम आपका क्रेडिटर, मुझे भाई पैसे दे दो, मेरे 5,000 है आप लोगों के पास, हमने अपने अकाउंट चेक किए, क्रेडिट लेजर चेक किए, वहां पे एम का कोई हिसाब ही नहीं है, वो बोला है सर आपने मेरे से माल ले लिया, ये देखो बिल, बिल मिल गई, पता चला भाई हमने तो परचेज की एंट्री नहीं की थी, भूल गए थे, अब क्या करेंगे, परचेज वर्चेज जो भी है बाढ़ में जाए वो प्रॉफिट कम हुआ उसको तो भूल जाओ ना, स्टॉक पड़ा है ना आपके पास, स्टॉक को तो ले लिया बाहर, अभी बोल रहा भाई मेरा पैसा दे दो, अब बोले हाँ भाई पैसा तो देना है, तो क्या एंट्री करोगे?
रियलाइजेशन अकाउंटेबल टू रियलाइज कैश। अकाउंट है बेटू, कैश अकाउंट भाई, लायबिलिटी को पे करो, जितना खर्चा हो जाएगा रियलाइज अकाउंट में जाएगा, अल्लाह लखा है सुना दबी से जी कर में सर, ये काम भाई ऐसे उसने पाती जो दे कर दे सच ऑलरेडी लोग का बोलेगा यार ठीक है चलो दे दो 4,500 रियलाइज अकाउंट है फिर 4,500 कोई पता क्या यहाँ पे 500 को फायदा हो गया। अरे कुछ नहीं हुआ, 4,500 का लॉस हुआ बिकॉज अल्टीमेटली आपने बुक्स में कोई लायबिलिटी थी नहीं, तो पूरा का पूरा लॉस है, अल्टीमेटली सारा जाएगा रियलाइज अकाउंट में, ठीक है ठीक जितने भी ठीक सेटल हो जाएगा ठीक है। हाँ समझ आ रहा है नहीं आ रहा समझ? हाँ सर, आ रहा है। अब मुझे बताओ अगर एक अनरिकॉर्डेड एसेट है एंड नाउ द पार्टनर इज टेलिंग ये एसेट मुझे दे दो, पार्टनर्स कैपिटल एक अकाउंट है स्कूटर गूगल था वहां पे। पे पीछे जब पर सफाई कर रहे फिर पता ना एक वहां पे एक सोफा था, वो बुक्स में था ही नहीं, पार्टनर बोला ये सोफा मुझे दे दो, तो उसको था क्या कहा तो साथ नहीं पे जाओ तो एंट्री क्या करोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो जी सर, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पार्टनर बोला ठीक है यार इसके एटो को मैं पे करूंगा तो एंट्री क्या करूंगा रियलिस्टिक अकाउंट में, तो रिलेशन अकाउंट पार्टनर डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। भाई या तो आपका कैश जाएगा या तो पार्टनर क्रेडिट हो जाएगा, सिंपल सी बात है ठीक है, और जी एसेट में सर, या तो आपको बस कैश आएगा या तो पार्टनर डेबिट हो जाएगा, बस दिस इज ऑल अबाउट रियलिस्टिक अकाउंट ठीक है। विन के लिए मिनट हमारे यहां विन करो दूसरा क्वेश्चन, बट अब मैं अनसॉल्व क्वेश्चन दिखाऊंगा बिकॉज सॉल्व रिस्क में पसंद मैं से थोड़ा बच गुशान, आ जाओ अनसॉल्व क्वेश्चन पे आ जाओ, खत्म करना है 2 दिन में खत्म करना है, और आज क्या गए आज क्या बोमवार तो बुधवार बुधवार बृहस्पतिवार जुम्मा जी दो बचे हुए दोनों दोनों में से खत्म करूंगा रिजोल्यूशन, इंशाल्लाह होगा तो आज मैं अच्छा खासा होमवर्क दे दूंगा ठीक है ना। जी सर। रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है सर? आई मैंने बताया तो हाँ खत्म सर, होना क्लासेस सिस्टम, सर नेटवर्क प्रॉब्लम थी सर। मैं जो कल लेक्चर थी ना वो आज अपलोड हो जाएगी तो देखना डिसोल्यूशन का मतलब, कल की लेक्चर इसी रीजन से स्टार्ट हो गई थी, डिसोल्यूशन का मतलब बताओ ठीक है ना, डिसॉल्व यस क्या सर, बता डिसॉल्व वाजिद यस सर, यस सर, इसी चीज को बोलते हैं डिसॉल्व करो, उसका मतलब क्या होता है जजमेंट करना, डिसॉल्व डिसॉल्व करना, इसको जजमेंट डिसॉल्व द शुगर इन दिस टी, मिलाना चीनी को यस सर, मिलाते हैं ना पानी में उसको क्या बोलते हैं यस सर, डिजॉल्व करना ठीक यस है, सर, और डिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है खत्म हो जाना डिजॉल्व होना, अपनी जो पहचान थी वो खत्म हो जाना, लॉस लॉस, लॉस ना किया करने वाला था राम, आ जाओ एलिस्ट्रेशन नंबर 5 पे आ जाओ ठीक है। नहीं, थोड़ा मुश्किल पाना करो स्टार्ट, एलिस्ट्रेशन नंबर 3 पे आ जाओ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3, जनरल एंट्रीज आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग अनरिकॉर्डेड आइटम्स, इन्वेस्टमेंट अनरिकॉर्डेड वॉज रियलाइज एट 15,000, आपके पास एक इन्वेस्टमेंट थी अनरिकॉर्डेड उसमें आपको 15,000 रुपये मिल गया, एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक कैश अकाउंट अकाउंट, डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट। वेरी गुड, बैंक और कैश जो भी होगा बैंक ओब्लिक कैश अकाउंट डेबिट तो रियलाइजेशन अकाउंट कितना 15,000, अब जिसको मैं 15,000 पूछूंगा वही बताएगा ठीक है, बाकी चुप करके बैठे। अच्छा ओके काशा वॉलंटियर करा भुवन कौन सर, यस सर, मैं मुनाज़ा। ना सुन सर काजी साहिबा, काजी साहिबा, काजी साहब आपके स्कूल में पढ़ते हो कश्मीर रावत। जहरा भी उधर ही पढ़ता है सर, ये मेरा क्लासमेट जहरा स्कूल वैसा पान स्कूल सर, सर आज गया, थैंक वही मुबारक चीज है ना, यू सर, चलो दूसरा पार्ट जहरा नहीं बताएगा ठीक है, साहिबा आप तीसरा वाला बताओगे, ए बिल फॉर रेपियर 2000, अच्छे से पढ़ना क्वेश्चन, ए बिल फॉर रेपियर 2000 मतलब आपने कुछ रेपियर किया था उसकी बिल 2000 है, वॉज फाउंड अनरिकॉर्डेड इन द बुक्स, समझ आई बात, आपने कुछ रेपियर किया था मशीनरी का या किसी चीज का उसकी 2000 की बिल आपने देखी, अरे यार ये 2000 की बिल तो पे पे करनी थी, हमने तो उसको बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया था, मुनाजा अकाउंटिंग करनी भूल गई थी, इसको होमवर्क था इसने अकाउंटिंग एंट्री नहीं की, नाउ इट वाज सेटल्ड एट 1300 रुपीज, अब आपने इसको सेटल कर दिया 1300 रुपीज, अब एंट्री क्या करोगे जहरा बेटा, सर टू कैश बाय रियलाइजेशन, पूरी एंट्री बताओ बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट
टू कैश। अच्छा सा इंतजार से अचानक वाला यस नो आंसर होता है ऐसा, यस सर। जी जब सर जब ऐसे ऑब्वियसली। एग्जाम को कौन फेल होगा, अचानक से जब सर बोलते हैं ना कि ये आंसर बताओ तुम इंसान से, थर थर बताते ना, मेरे साथ भी होता था। मेरे साथ एक बार 10th में इतना गंदा टॉर्चर हो गया, अचानक से सर ने कुछ पूछा और जो बेसिक बेसिक चीज होते ना मेरे को वो भी नहीं आ गई था, वो बहुत टॉर्चर हुआ था मेरा उस दिन। ये हो जाता है, ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है या किसी को स्पॉन्टेनियसली आंसर देना नहीं आता है, उसमें भी दिक्कत होती है। अब बताइए कि साहिबा अनरिक्वायर्ड लाइबिलिटी फॉर क्रेडिटर्स 7,000, तो आपके क्रेडिटर्स थे 7,000 के, बट आपने बुक्स में उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया था, आपने बुक्स में लाइबिलिटी दिखाई नहीं थी। वॉज टेकन ओवर बाय पार्टनर एक्स एंड 5,000, अब एक्स ने बोला यार इन जम्बू पाने 5,000, अब एंट्री क्या करोगे? रियलाइजेशन टू एक्स, बिल्कुल, रियलाइजेशन अकाउंट। आपने पढ़ा है ये टॉपिक अभी तक? नहीं पढ़ा है? सर मैं मुझे स्कूल ये स्किप हुआ था, मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी इसलिए। ठीक है ठीक है। तो स्कूल में कहाँ तक पहुंच पाते भाई? स्कूल में आज आज मैं गई थी, आज उठाया था हमने शेयर कैपिटल। अच्छा, आज स्टार्ट किया शेयर कैपिटल। चलो ठीक है। अब मुझे बताएगा कौन बताएगा? कौन सा नाटिका? यस अनरिकॉर्डेड स्टॉक, आपके पास स्टॉक था बट आपने बुक्स में उसको रिकॉर्ड नहीं किया था, 10,000 वॉज टेकन ओवर बाय पार्टनर वाई एट 13,000, एंट्री क्या हो जाएगी? सर, कैश अकाउंट अभी प्रोवाइड कैपिटल अकाउंट। दोबारा पढ़ो जल्दी में करते हैं। एक बार मैं अनरिकॉर्डेड उसके स्टॉक, आपके पास स्टॉक था बट आपके बुक्स में नहीं था, बैलेंस शीट में नहीं था, तो आपने रियलाइज अकाउंट डेबिट टू स्टॉक करना ही नहीं है क्योंकि आपके पास बैलेंस शीट में फाइनेंस स्टॉक। नाउ दिस इज योर अनरिकॉर्डेड एसेट, यहां तक समझ आया? जिसकी यस वैल्यू सर 10,000 है। अब ये वाई बोल रहा है कि मैं लूंगा इसको और वाई देगा इसके लिए कितने? 13,000 रुपये, एंट्री क्या हो जाएगा? सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अभी टू रियलाइजेशन अकाउंट ना पार्टनर पूछ लिए चल सर, वाई के मैंने दो बैठा था कैश अकाउंट डेबिट टू वाइस कर लेता। सर गलती से लगा। आपको अंडर कॉन्फिडेंस या आपको ओवर कॉन्फिडेंस, ये आपका फायदा हो गया यहाँ पे। तो वो ट्रांसफर करेंगे रियल अकाउंट में और वाई को करेंगे डेबिट। परीस है क्या क्लास में? परीक्षा सिर्फ इस फायदा, परीक्षा का क्लास सिर्फ फायदा तुम इस कैसे बात हुआ? कहेंगे। तो आईवा बेटा आप बताओगे अनरिकॉर्डेड डेटर्स, आपके पास डेटर्स थे 22,000 के, आपके पास डेटर्स थे 22,000 के अनरिकॉर्डेड। ये अच्छा क्वेश्चन है। अनरिकॉर्डेड डेटर का मतलब क्या है? डेटर जो हमने रिकॉर्ड नहीं किए थे सर, हाँ? डेटर जो जो भूल हमने गए थे रिकॉर्ड करना। ठीक है, और आपके पास अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स थे 25,000 के, तो ये आपके पास जब आपने बुक्स क्लोज कर ली, सारा रियल अकाउंट में भेज दिया, फिर आपने देखा कि यार 22,000 के हमारे डेटर थे जो हमने बुक्स में बोला ही नहीं था यार हमने 22,000 के पैसा लेना था। या फिर आपने डेटर लेजर देखा, फिर देखा भाई अंदर में कहीं पे पता चला कि भाई आपने तो इस इन डेटर्स को भी सेल किया था, इससे आपने 22,000 रुपये लेना था, ठीक है? सर बट जब पता चला कि भाई बिजनेस क्लोज हो रहा है, फिर आपने ऐसे खंगाले बाकी रिकॉर्ड्स पर, पता चला भाई 25,000 हमें लोगों को देना भी है, वो अनरिकॉर्डेड है, क्रेडिटर्स है। तो ये दोनों लोग अनरिकॉर्डेड डेटर और अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर आमने सामने आए, और अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर थे जो 25,000 के, इन्होंने बोला कि यार ये जो डेटर है 22,000 इनसे हम ले लेंगे पैसा। तो 22,000 के आपने हमें 25,000 देना था, फर्म ने उनको 25,000 देना था और हमने 22,000 लेना था, तो जिनसे जिनको 25,000 देना था उन्होंने बोला ठीक है ये 22,000 हमें दे दो, अल्लाह अल्लाह खैर सला। अब तो मुझे बता कि इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी? तो आपको क्वेश्चन समझ आया? नो सर, नहीं आया समझ? दोनों तो मुन्ना तुम इसका आंसर बता सकते हो? अनरिकॉर्डेड है तो कोई एंट्री नहीं होगी।
ये सब होगी सब। सर मुझे लगा डायरेक्टर से फंस कॉन्ट्रीब्यूट जाओगे थोड़ी तुम, अलग चीज सर। मुझे लगा था फंस जाओगे, बट गए पास। सर रियलाइजेशन ऑफ वन टू डेटर्स कौन, ऑपरेटर मेरे को अगेन बैलेंस शीट दिखानी पड़ेगी, ठीक है ना, समझाने के लिए सबको। मुनजा को समझ आया, ताहिर को समझ आया, और किसी को समझ आया? मैं यहाँ पे ताहिर ने दो मुझे चीजें, मैं यहाँ पे दो कॉन्ट्राडिक्ट चीजें कर लिखूंगा, दिया। एक डेटर लिखूंगा और एक क्रेडिटर लिखूंगा, ठीक है ना। जी सर, मेरे डेटर बुक्स में दिख रहा है 2 लाख के, मेरे क्रेडिटर दिख रहे हैं 6 लाख के, ठीक है, यहाँ तक समझ आया? जी सर। इसके बाद मैं क्या बनाता हूँ, रियलाइजेशन अकाउंट बना दो, विजुअलाइज कर लो। मैं रियलाइजेशन अकाउंट बनाता हूँ, इस डेटर को मैं खत्म कर रहा हूं, तो मैं एंट्री करता हूँ रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट 2 लाख रुपये। यहां तक ठीक है? हाँ सर, इस डेटर से मुझे जितना भी पैसा आ जाए, अच्छा ये क्रेडिटर को मैं खत्म करता हूँ, मैं एंट्री करता हूँ बाय क्रेडिटर अकाउंट बाय क्रेडिटर्स। 6 लाख रुपये। भाई भाई यहां तक कोई डाउट, कोई डाउट यहां तक? थोड़ा जोर से बताओ, ठीक नो सर, है ना। अब इस डेटर को, डेटर से मैं पैसे लूंगा, सपोज इस डेटर ने मुझे 1,80,000 दूंगा, तो मैं एंट्री क्या करता हूँ, बाई कैश डेटर से जो मुझे पैसा मिला 1,80,000, तो अल्टीमेटली मेरा 20,000 का नुकसान होगा, वो खुद ही पता चलेगा कि 20,000 का नुकसान हुआ, क्योंकि मैं आई एम कंसर्न, मैंने उस एसेट को खत्म कर लिया रियलाइजेशन में, अल्टीमेटली मुझे कैश आया 1,80,000, तो आप खुद ही देखोगे 2 लाख का डेबिट किया रियलाइजेशन को, 1,80,000 का क्रेडिट किया नेट में, और खुद ही 20,000 का लॉस बुक हो गया, जिस तरह से आप पीएनएल में करते थे कि ओपनिंग स्टॉक इतना था, परचेस इतना था, सेल इतने का हुआ, तो हर सेल पे आप अलग से प्रॉफिट नहीं निकालते थे, ऐसा तो नहीं करते थे 100 की चप्पल आपने 120 रुपए की, तो 20 रुपए का प्रॉफिट बुक करते हो, ऐसी तो एंट्री नहीं करते हो। आप क्या करते हो, भाई जब भी परचेस करो तो एंट्री करो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और जब भी सेल करो तो एंट्री करो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, जब दोनों परचेस और सेल को आप पीएनएल में ले जाओगे तो आपको खुद ही निकलेगा आपका प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ। सिमिलरली यहाँ पे भी 2 लाख के एसेट थे, उनको डाला रियलाइजेशन में, डेबिट कर दिया रियलाइजेशन को 2 लाख से, और क्रेडिट किया 180, अल्टीमेटली 20,000 का लॉस हो गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो जो मेरे पास रिकॉर्डेड डेटर थे, मैंने उनको ट्रांसफर किया रियलाइजेशन अकाउंट में, और उसके बाद मुझे पैसा मिल रहा है टोटल 1,80,000, यहाँ तक ठीक है। फाइनली अब जो मेरे क्रेडिटर है, जब मैं इनको पे करने गया 6 लाख के क्रेडिटर को, सपोज इनने कुछ भी नहीं छोड़ा मुझे, मुझे पूरा 6 करोड़ 6 लाख रुपये पे देना पड़ा, तो एंट्री क्या करूंगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 6 लाख रुपये, ठीक है। जी सर, अब क्या नाम है तुम्हारा, कई बार विजुअलाइज करो, ये आपका था, इसको बोलते जो भी बैलेंस में दिखेगा दैट इज रिकॉर्डेड, ठीक है, रिकॉर्डेड है। जी सर, अब आपने देखा इसके बगैर जो रिकॉर्ड कहीं नहीं है, आपके पास एक डेटर है 25,000 का, कितना है 22,000 का, और आपके पास एक क्रेडिटर है 25,000 का जो रिकॉर्ड नहीं किया है, ठीक है, जी सर, समझ लेना। तो एक बात, जो रिकॉर्ड नहीं किया 22,000, तो यहाँ पे तो डेबिट कुछ होगा नहीं, जब 22,000 का आपका अनरिकॉर्डेड एसेट है, तो अनरिकॉर्डेड एसेट से जब कल को पैसा आएगा तो एंट्री क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइज अकाउंट, जितना इससे पैसा आएगा, यही बात करते हो। जब डेटर से पैसा आता है जो रिकॉर्ड नहीं किया था, तो एंट्री क्या करते हो, मैंने आपको दिखा अनरिकॉर्डेड एसेट से जब पैसा आएगा तो एंट्री क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइज अकाउंट, ये एंट्री करोगे ना। जी सर, जब इससे पैसा आएगा कल को, इसकी रिकॉर्ड की कोई एंट्री होगी नहीं, क्योंकि ये रिकॉर्डेड नहीं था, आपने आरएनजी जो रिकॉर्डेड चीजें थे उनको भी खत्म कर लिया, तो इसकी कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है। अल्टीमेटली इससे जितना भी पैसा आएगा वो आपका फायदा हो जाएगा, तो एंट्री करोगे कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइज अकाउंट, और इसको जब भी पैसा करोगे तो एंट्री क्या करोगे रियलाइज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 25,000 रुपये, है ना, जितना भी पेमेंट करोगे। अब क्या हुआ, इस डेटर ने आपको कुछ पैसा दिया, आंसर इज नो, इस क्रेडिटर ने आपको आपसे कुछ पैसा लिया, दांत लो, बिकॉज इन क्रेडिटर्स ने क्या कर लिया, इनने ये नहीं डेटर्स को ले लिया। अब मुझे पता अल्टीमेटली आपके रियल अकाउंट में इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे कुछ पैसा आता तो आप इधर डेबिट करते, इससे कुछ पैसा जाता आप उसे क्रेडिट करते, ना पैसा आया ना गया, अल्टीमेटली नो एंट्री, समझ आई बात को, मैं दोबारा से समझा, जी सर, आई ये अनरिकॉर्डेड था, अगर मुझे इससे कुछ भी पैसा आता वो मैं रियल अकाउंट में लेता, अगर मुझे यहाँ पे कुछ भी पैसा देना पड़ता रियल से था। अगर दोनों को नेट करके भी मुझे कुछ पैसा देना पड़ता, सपोज वो बोलते नहीं यार उनसे मैं 18,000 ही लूंगा, तो मुझे 5,000 और दे दो, तो 5,000 मेरा आउटफ्लो होता, तो मेरी एंट्री होती रियल अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000, मेरा नेट में 5,000 गया,
यहाँ पे इन दोनों को मिला के मुझे नेट में कुछ भी नहीं गया, बिकॉज उनको 25,000 देना था बट मैंने कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया था। जितना भी मुझे अल्टीमेटली जाना पड़ता उतनी एंट्री होती, मेरे को ना आया ना गया, तो अल्टीमेटली नो एंट्री। समझ आई बात? सपोज यहाँ पे ये क्रेडिटर बोलते हैं, 25,000 के क्रेडिटर बोलते हैं, तुम डेटर्स को मैं पूरा लूंगा, उसके बाद भी मुझे 3,000 दे दो। अल्टीमेटली हमारे देश सब कितना गया, 3,000, तो हमारा लॉस 3,000 है, तो उतनी की एंट्री होगी। पर यहाँ पे ना आपके पास कुछ आ रहा है ना आपसे कुछ जा रहा है, तो नो एंट्री। ठीक है? और विजुअल एथ्रो जो मैंने बोला कि दुकान के बाहर हमने वो रूम रखा जहां पे ये बात हो रही है, तो ये जो क्रेडिटर्स थे और ये जो डेटर है, ये उस रूम के भी बाहर है, वो आप उसमें हाथ मिला के चले गए, तो आप कोई एंट्री करोगे? सर अल्लाह अल्लाह, खैर चलो। ठीक है, वो थोको सुन थोड़ा यूं तहां करे तो, और 50 मिनट की क्लास हो गई, तो क्या मैं आपको लोगों को होमवर्क दे दूं? जी सर, पहले ताहिर बोलेगा एंट्री जो ये बोलने वाला था, कौन सी एंट्री? इसी की, इसने जो बोला कि इसकी नहीं, एंट्री ताहिर ने तो होगी। बोला कोई एंट्री नहीं होगी। नहीं, इसने बोला होगी एंट्री। ताहिर, आपने बोला एंट्री होगी? जैसा मैंने पहले बोला था, लेकिन अब समझ आ गया। अच्छा, तो चोर मुना जाने, तुम दोनों ने ठीक बोला था। चलो, अब क्लियर हो गया सारा, ज्यादा जी सर, होमवर्क मैं नहीं दूंगा आप लोगों को। आप सिर्फ इलस्ट्रेशन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 7 तक कर ले रहा, ठीक है ना? कितना करोगे? क्वेश्चन ठीक नंबर 7 तक, और सॉल्व क्वेश्चन जो है वो करोगे आप लोग। इलस्ट्रेशन नंबर 5 तक, ठीक है? क्वेश्चन मिनट। नंबर 7 तक और इलस्ट्रेशन नंबर 5 तक कर लेना। नहीं हो पाएगा कोई इश्यू नहीं, मैं कल दिखा दूंगा। टारगेट मेरा ये रहेगा, नेक्स्ट 2 लेक्चर में इसको खत्म करेंगे, और कल के लिए बी मेंटली प्रिपेयर हो सकता है, 1.5 घंटे की क्लास होगी। ठीक है? ओके सर, सर हम 8 बजे से अब रखेंगे, तो नेम सर की क्लास नहीं है कल? होती है ना वो 7:30 तक लेते हैं, फिर नमाज अच्छा, उसके फिर बाद आपका पढ़ो। नमाज हो जाता है 8 तक? तो हाँ ठीक है, हाँ कल होता आप लोगों की 8 बजे क्लास है, 8 से लेके मेंटली प्रिपेयर रहना 9:30 तक। और अगर मैं लिहाज से उतराओ भी जल्दी यार, ठीक? है। ओके सर, चलो, रिवाइज कर लेना इसको और ये क्वेश्चन कर लेना। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।